बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां संचालक को अरेस्ट करने पर भड़के अखिलेश। अखिलेश यादव ने चाय पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, चाय में जहर दे दो तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कार्यकर्ता मनीष जगन को गिरफ्तार करना निंदनीय बताया है सपा के कार्यकर्ताओं ने। बता दें सपा कार्यकर्ता को अविलंब रिहा करें, ये उनकी मांग है। उच्च अधिकारियों से मुलाकात के दौरान जो है अखिलेश ने एक बयान, बड़ा बयान दिया है, जिसमें कार्यकर्ता बैरिकेड को तोड़ते हुए मुख्यालय में जा रहे हैं और जो है स्थिति काफी ज्यादा अनियंत्रित हो गई है। नियंत्रण से बाहर होने के बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी यहाँ पर शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय से बाहर अब अखिलेश यादव निकल चुके हैं, मगर उनकी मांग यही है कि उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल करता है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो कोई जगह ढूंढने चाहना ना, बाहर से आने नहीं पीने चाहिए। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आप ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए,